हेलो फ्रेंड, आइए देखते हैं आज हम लोग टाइम एंड वर्क। दोस्तों, टाइम एंड वर्क का पार्ट टू है। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ आप तैयारी कीजिए। मतलब तैयारी का मतलब वो क्या होता है, आप दौड़ कीजिए, सिर्फ आप फिजिकल आप फिट रखिए, मैं आपका रिटेन का 100% तैयारी करा दूंगा। देखिए दोस्तों, मैं वही क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके आर्मी के एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो टेक्निकल हो, क्लर्क हो या जीडी हो। तो दोस्तों देखिए, इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो दोस्तों, इसको बनाने का आसान तरीका आप देखिए, टाइम एंड वर्क को आप एक ही फार्मूला से शॉर्ट आउट कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए M1 D1 H1, यानी कि आप याद रखिएगा इसको, MDH बराबर M2 D2 और H2। सिर्फ इस फॉर्मूला को आप समझ लीजिए, बाकी आप इसको 2 सेकंड में बना देंगे। देखिए कैसे, इसके बटे में होगा W1 और इसके बटे में होगा W2। दोस्तों देखिए, अब क्या होगा, M1 का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो M1 का मतलब होता है मैन, यानी कि आदमी, चाहे कोई भी मजदूर आदमी या जो भी हो, मैन के जगह पर मजदूर आदमी होगा। डी के जगह पर दिन होगा डे, और एच के जगह पर हमारा होगा आवर, यानी कि घंटा। दोस्तों घंटा, यानी कि आदमी, दिन और घंटा, ये तीनों आप समझ लिए। डब्लू का मतलब होगा दोस्तों वर्क, जो आपको काम दिया रहेगा वो वर्क। उसी तरह M2 का भी मतलब आमदी, D2 का भी मतलब दिन, और H2 का भी मतलब घंटा, यानी कि दूसरा आदमी, दूसरा घंटा, दूसरा दिन बटे दूसरा टाइम। आप कितना समझ गए दोस्तों, बस इसको आप लिख लीजिए। अब देखिए कैसे आप क्वेश्चन बनाइएगा। देखिए दिए गए हैं 56 मजदूर, यानी कि M = कितना दिए गए हैं, 56, 8 दिन, यानी कि D = दिए गए हैं 8, यानी कि M1 D1, ये आप समझ लिए। 56 मजदूर एक खेत को 8 दिनों में काट सकते हैं, तो उसी खेत को 7 दिनों में कितने मजदूर काटेंगे, यानी कि देखिए D2 आपका कितना दिए गए दोस्तों, 7 दिन, तो कितने मजदूर काटेंगे, यानी कि M2 = दिए थे। देखिए आप फार्मूला पे क्या रख दिए, M1 इसको D1 रख दीजिए, H2 नहीं दिया गया तो H2 छोड़ दीजिए, तो यहाँ क्या कीजिएगा, D2 और M2, यही ना है। देखिए आप क्या कीजिए, आपको निकालना है M2, तो M2 = क्या हो जाएगा दोस्तों, M2 = हो जाएगा M1 × D1 / D2। अब बताइए आप कितना दिया गया है दोस्तों, M1 56 रख दीजिए / D1 कितना है 8 रख दीजिए / D2 कितना है दोस्तों, तो D2 है हमारा 7। अब इसको आप काटिएगा तो 57 = 56, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 68 = 64। 64 आदमी, यानी कि 64 मजदूर इस काम को कर सकेंगे 7 दिनों में। आई होप आपने इसको समझ लिया। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन सेम प्रोसेस में आप बनाइए। कैसे, 45 आदमी, यानी कि दोस्तों यहाँ लिख दीजिए M1 = 45, 20 दिन, यानी कि D1 = 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 12 दिनों में, देखिए यहाँ क्या दिया है, D2 = 12 दिन में काम समाप्त करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी, यानी कि मैन की M2 = what। आई होप आपने इसको समझा। देखिए आप फॉर्मूला जानते हैं, M1 D1 = D2 M2, निकलना है यहाँ M2 = हो जाएगा आपका M1 × D1 / D2। अब यहाँ मान रख दीजिए M1 कितना है, 45 × 20 / कितना है D2 है हमारा 12। अब इसको काटिएगा 4 से, तो 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, फिर इसको काटिएगा तो 15 से कट जाएगा, यानी कि 15 × 5 = 75, 75 हमारा आदमी आंसर हो जाएगा। आई होप आपने इसको समझ लिया। दोस्तों देखिए अब आएगा आप M2 D2 जो लिखवाए हैं उसका, देखिए अब क्या होगा। देखिए तीसरा नंबर को चाहिए, यदि 5 मशीन
पांच मशीन यानी कि आप आदमी यहाँ मान लीजिए कि आदमी की जगह पर यहाँ मशीन दिया है तो फिर भी आप एम वन इसको मान लीजिए एम वन इक्वल टू पाँच पाँच लिख दीजिए नौ घंटा यानी कि एच वन इक्वल टू नौ घंटा रोजाना चलने पर एक खेत को खेत की फसल को 16 दिन यानी कि डी इक्वल टू 16 दिन दिया है काट सकती है तो आठ मशीन रोजाना 10 घंटे चलने पर यानी कि देखिए आठ मशीन यानी कि एम टू दिया गया है दोस्तों आठ रोजाना चलने पर 10 घंटे यानी कि एच टू इक्वल टू 10 चलने पर उसी खेत की फसल को कितने दिनों में काट सकती है। तो दोस्तों एक बार फिर से आप क्वेश्चन समझ लीजिए यदि पांच मशीन एक साथ 9 घंटे रोजाना चलने पर एक खेत की फसल को 16 दिनों में काट सकती है तो आठ मशीन रोजाना 10 घंटे चलने पर उसी खेत की फसल को कितने दिनों में काटेंगे। तो आपके लिए फॉर्मूला आपको बताए ही है फॉर्मूला आपका है क्या दोस्तों एम वन एम डी एच आप याद किए हैं तो एम डी एच इक्वल टू एम डी एच यहाँ तक आपने समझा। आप देखिए एम वन के मान रखिए पाँच तो पाँच गुने नौ गुने 16 बराबर एम टू कितना है आठ गुने एच टू कितना है 10 गुने डी टू आपको निकालना है तो डी टू इक्वल टू वाट। तो दोस्तों आप यहाँ काट सकते हैं काटने के लिए देखिए क्या कीजिएगा तो यहाँ कीजिए पाँच गुने नौ गुने 16 बटे आठ गुने 10 इक्वल टू डी टू। अभी देखिए पाँच दूना 10 दो अठे 16 फिर आठ आठ से आठ कट जाएगा यानी कि डी टू इक्वल टू आपका हो जाएगा 9 दिन 9 दिन दिया है दोस्तों 9 दिन ऑप्शन ए ही तक करेक्ट। आई होप आपने इसको बनाना सीखा दोस्तों और नेक्स्ट इसका और भी एक दो पार्ट बताएंगे जिसमें तीन तीन क्वेश्चन बताएंगे पूरा आपका टाइम एंड वर्क जो आर्मी में पूछा जाता है वो खत्म हो जाएगा। देखिए दोस्तों इतना ईजी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू जय हिंद।